साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका साथी सत्येंद्र शर्मा। ट्रेनिंग मैनेजमेंट पोर्टल पे एक नया बदलाव किया गया है कि सभी प्रतिभागियों का आधार ऑथेंटिफिकेशन करना जरूरी है। तो आइए आज हम इस वीडियो में यही सीखते हैं कि कैसे हम अपने प्रतिभागियों का आधार ऑथेंटिफिकेशन करें। पे सबसे पहले गूगल में जा करके हम ट्रेनिंग मैनेजमेंट पोर्टल पे जाके क्लिक करते हैं और लॉग इन एज अ ट्रेनी करते हैं। लॉग इन एज अ ट्रेनी में सबसे पहले मोबाइल नंबर मांगेगा, तो यहाँ अपना मोबाइल नंबर हम डाल देंगे और सबमिट कर देंगे। एक OTP आएगा, 6 अंकों का ये OTP होगा और इस OTP को हम तो देखिए OTP आ गया है और OTP को हम फीड कर रहे हैं। याद रखें, मोबाइल नंबर आपके ट्रेनीज का होगा, चाहे प्रधान, पंचायत सहायक, कोई भी हो। यहाँ हमें देख लेना है कि उस व्यक्ति का नाम जो है वो आधार के अनुसार ही हो। प्लीज इंश्योर द नेम शुड बी सेम एज आधार। तो हम इसको बदलाव भी कर सकते हैं, अगर आधार के अनुसार नाम नहीं आ रहा है तो। ये देखिए, मैं बदल करके आपको दिखा देता हूँ, है ना, तो आप बदल सकते हैं। ठीक है, तो आधार जो आधार में सही नाम है वही हमें करना है और प्रोसीड कर देना है। अभी आधार कौन सेट ऑथेंटिफिकेशन के लिए आ गया है, इसमें हमें स्क्रॉल डाउन नीचे करके प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद यहाँ फिर से प्रतिभागी का अब आधार नंबर डालना है। तीन चीजें हम डाल सकते हैं, आधार नंबर, वर्चुअल आईडी या UID टोकन। तो आप लोग आधार का इस्तेमाल करिए और यहाँ प्रतिभागी का हम आधार नंबर डाल दें। ये हमने प्रतिभागी का आधार नंबर डाल दिया है और इसके बाद हम गेट OTP पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये हमने गेट OTP पे क्लिक किया और अब ये OTP चला गया प्रतिभागी के पास। यहाँ ध्यान रखें, नीचे से हम लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, इसको हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हिंदी में आ गया है और हम प्रतिभागी को पढ़ के भी सुनाएंगे कि मैं यह बताना चाहते हूँ कि आधार आधारित प्रमाणीकरण के लिए मुझे स्वयं को प्रमाणित करने में कोई आपत्ति नहीं है, तथा इसके लिए मैं अपना आधार नंबर, VID, UID टोकन, वन टाइम पिन या टाइम बेस वन टाइम पासवर्ड प्रदान करने के लिए अपनी सहमति देता हूँ। साथ ही मैं मानता हूँ कि प्रमाणीकरण के लिए जो OTP प्रदान कर रहा हूँ उसका उपयोग केवल ई हस्ताक्षर के उद्देश्य से आधार प्रमाणीकरण के लिए मेरी पहचान को प्रमाणित करने और KYC सेवा के माध्यम से मेरी KYC प्राप्त करने के लिए किया जाएगा। नीचे लिसन कॉन्सेप्ट भी लिखा है, तो आप इसको सुना भी, प्रतिभागी को जो अनपढ़ है उसको सुना भी सकते हो। ठीक है, यहाँ से जिसको OTP प्राप्त नहीं हुआ है उसको यहाँ से OTP देंगे, रिसेंड कर देंगे और अब जो OTP आया हमारे पास वो इसमें हम डाल देते हैं। याद रखें, OTP आधार की तरफ से आएगा, 6 अंकों का होगा और सबमिट कर दे। सबमिट करने के बाद हमारा आधार रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट हो गया है प्रतिभागी का एज अ ट्रेनी। ठीक है, यहाँ तक हमारी पूरी प्रक्रिया है। अगर हम इसके अंदर जाना चाहते हैं कि क्या हुआ, तो हम यहाँ से देख सकते हैं, फिर अपना फीडबैक दे सकते हैं, अपना ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, क्वेश्चन आयर आया है तो क्वेश्चन आयर का क्वेश्चन के जवाब दे सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के जवाब देने के बाद ही अब हम देख लेते हैं कि कोई टेस्ट अगर हमारे लिए आया है तो उस टेस्ट को वो हमें दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो हमने क्लिक करा, यहाँ हमें टेस्ट शो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कोई भी टेस्ट नहीं। अगर टेस्ट होता है तो हम उसके जवाब दे करके उस ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट हम लोग डाउनलोड कर सकते थे। ठीक है साथियों, उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ऐसी वीडियो पाने के लिए सत्प्रीत एजुकेशन को फॉलो करिए। थैंक यू सो, धन्यवाद।